किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, तो शायद प्रधानमंत्री जी अब पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में काफी गंभीर हो गए हैं और अब हमें हमारा पूरा हक मिलने जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे केवल भाषण में ही पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताने का काम किया, लेकिन अभी जमीन पर कोई योजना बनाकर के उतारने का काम नहीं हुआ। 3 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमांदा समाज की बात करी थी, आज 3 जुलाई 2023 है और हमारे साथ बात करने के लिए पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी जी हैं। क्या कुछ बदला इन 1 सालों में? देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है वो पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में जो देश के प्रधानमंत्री जी निरंतर अपने सभी कार्यक्रमों में चिंता जता रहे हैं और पिछली सरकारों के कारनामे पर वो बहुत अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि पसमांदा मुसलमानों को नुकसान इन्होंने किया और उस दौर के जो तमाम मुस्लिम समाज में 15% के अपर कास्ट लोग थे उनका भी नाम लिया कि इनके चलते ये पसमांदगी के दौर से गुजरने के लिए मजबूर हुए। तो आप जिस तरीके से आपने पसमांदा मुस्लिम समाज बारे में भाषण में बताया तो इससे लगता है कि आपने पसमांदा मुस्लिम समाज बारे में गहन अध्ययन कर लिया, आपको पूरी जानकारी हो गई। हम लोग समय समय पत्राचार के माध्यम से उनको बताते भी रहे समाज मसाइल को। जब आप सब जान गए हो और आपने सब डायग्नोसिस कर लिया है कि पसमांदा मुस्लिम समाज के को इतना मर्ज है तो दवा भी तो आप दोगे ना। आप केवल मर्ज गिना रहे हैं, दवा नहीं दे रहे हैं, तो आप दवा दे दीजिए। ये गिनाने से हमारा मर्ज ठीक नहीं होगा कि आप पसमांदा मुस्लिम समाज की समस्या ये है, उन्होंने नुकसान किया। अरे, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पावर में हैं, दवा तो आप देंगे ना। आप दवा दे दीजिए, पसमांदा मुस्लिम समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। पसमांदा मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो 85% जो आबादी है वो कहीं ना कहीं पिछली मानी जाती है, तो इन 1 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है? जो बदहाल कौम है उसमें विकास की बात क्या करना, ना हमारे पास ज़मीनें हैं, ना हमारे बच्चों के पास तालीम पढ़ाई के लिए कोई संसाधन है और ना हमारे लोगों के पास कोई इस तरह से बड़ा रोज़गार है। हमारे दस्तकार तबका के लोग हैं, जितने भी पसमांदा है ज़्यादा दस्तकार तबका है, रोज़ कमाता रोज़ खाता है, ऐसे में वो बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिला पाता और थोड़ा बहुत बच्चे आगे बढ़ते उनको काम में लगा देता है। मजबूरी उसकी होती है कि कहीं घर का बीमार हो गया, कहीं कोई घर का रोटी कैसे चलेगी। ऐसे हालात में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह भी रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री जी इनको थोड़ा सहारा दे दें, इनके लिए कार्ययोजना बना दें, आरक्षण दे दें, निश्चित तौर से हम लोग पसमांदगी के दौर से उभर जाएंगे। तो आगामी साल लोकसभा का इलेक्शन है, अगर ऐसे जो आप मांगे कर रहे हैं बीजेपी से कि वो सुविधाएं दे दें और उनका आरक्षण दे दें, तो क्या आप लोग बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में इतनी फिक्रमंदी दिखा रहे हैं और सच में अगर उनके सारे मसाइल को वो दूर कर देते हैं और हमारे लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का काम करेंगे, जो हमारे अंदर भय है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उनका काम करके और उनके बीच में आकर के हमारा भय दूर करने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे पसमांदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के बारे में विचार कर सकता है। एक आखिरी सवाल, UCC के ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, UCC के बारे में क्या कहना, जब UCC की बात, ये इतने पहले से माननीय न्यायालय ने भी कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। ये तो केवल मणिपुर की जो घटना इस समय भयावह हो रही है 40-45 दिनों से, और न वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर कोई बात कर रहा, ना प्रधानमंत्री से बात नहीं करते। उन्हें तो बात इस पर करनी चाहिए, जो देश के हालात बिगड़े उस पर बात करनी चाहिए, वो बात निकाबिल की करते हैं। जो मुद्दा पुराना हो गया तो पुराने वो सांप गुजर गया, वो लकीर पीट रहे हैं, उससे काम नहीं चलना है। आपको सच में काम करना पड़ेगा ये ध्यान भटकाने के लिए कि लोगों को ध्यान न जाए, इसीलिए वो UCC लाते हैं, कभी पसमांदा की बात करते हैं। मुझे तो लगता नहीं कि इस तरह के जो बात कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन फिर भी ये उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अगर सच में आप हितैषी हैं, आपकी नीयत साफ़ है, तो कुछ काम कर दीजिए, और जब तक आप कुछ काम नहीं करेंगे पसमांदा मुस्लिम समाज के बारे में सोच भी नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए पसमांदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी थे। इन्होंने कहा है कि UCC के जो बात इस टाइम लोकसभा चुनाव से पहले करी जा रही है वो खासतौर से मुद्दों को भटकाने की कोशिश करी जा रही है, जैसे मणिपुर का मुद्दा है, जैसे तमाम मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश करी जा रही है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान।